इरफान पठान आप कमेंटेटर हैं, आपका दिल खुश हो रहा है भाई, अच्छी बात है, आप हो खुश यार, लेकिन आप कमेंटेटर हैं, आप उस किट में, आप ग्राउंड पे आके ऐसे नाच के, ये अजीब सी चीज नहीं थी कोई यार, बहुत ही नॉन प्रोफेशनल बात नहीं थी क्या? बेसिकली अफगानिस्तान के भंगड़ों के ऊपर मैं नहीं कमेंट करता। हां चलो ठीक है, वो जीत गए, उनकी टीम जीती है, सही है, यही वर्ल्ड कप है। हां ठीक, सही बात, पाकिस्तान से जीतना, इंग्लैंड से जीतना, बहुत ही नॉन प्रोफेशनल हरकत थी ना जो इरफान पठान, लेकिन जो इरफान पठान ने किया ना, यू नो एज ए कमेंटेटर यू आर न्यूट्रल, यू सपोज टू बी न्यूट्रल, ऑब्वियसली इंडिया का मैच हो रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड, यू कैन आपकी अपनी कंट्री है, वकार भाई अगर पाकिस्तान जीता, अगर वो सेलिब्रेट करते, दैट वाज फाइन, बट आपका आपका क्या मोटिव है कि आप ऐसी टीम के साथ जाके भंगड़े डालें जो आपकी है, आपकी आपकी कंट्री नहीं है, फिर आप कंग्रेचुलेट करते, आप गले लगाते, बिल्कुल सही, यस यस, बट दैट वाज लुक लाइक दैट दे वर वेटिंग फॉर इट, ये कोई अलग कारण आपको, आपके लिए भी सरप्राइजिंग था वो विजुअल, बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए भी, मैं देख रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं वर्ल्ड कप का, वो खुशी नजर नहीं आई उस वक्त इंडिया जीतने पे, अफगानिस्तान जीतने पे ये खुशी नजर आई है, ये थोड़ा सा मेरे लिए अफसोस, मेरे लिए नहीं पूरी नेशन के लिए ये अफसोस वाली बात है, तो इस चीज पे जो भी ब्रॉडकास्टर है उनको सोचना चाहिए कि जो न्यूट्रल कमेंटेटर है वो इन चीजों में ना आए ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा होगा, तो होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए जो जिस तरह वो उस पैनल में है, उसके तवस्सुत से मेरा ख्याल है ऑब्जेक्शन उठ सकता है, उठना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी उसने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को, वो ये चीज कर रहा है तो दूसरे देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे, मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए था। हाँ।